दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं वो मेरी बात से सीधा कनेक्ट होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर्स अपने आप आते हैं, वो डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, वो पैसे बचाने के चक्कर में मेडिकल स्टोर पे आते हैं, कहते हैं भाई साहब मुझे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, फोड़ा है, फुंसी है, पेट दर्द है और आप मुझे दवा दे दीजिए। ऐसे में मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब दवा दे देते हैं, दो खुराक तीन खुराक बना करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, उसके बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। आपके पास ऐसे कई सारे कस्टमर्स आएंगे जो आपसे दो खुराक तीन खुराक मांगे, लेकिन आप जो आपकी जो ड्यूटी है आपको वहां पर निभाना होगा, आपको वहां पर सतर्क करना होगा ऐसे कस्टमर को कि ये उनके लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आपने उस कस्टमर को एक दो खुराक दवा दे दी, वो कस्टमर हो सकता है कि एक टेबलेट खाए और उसको आराम मिल जाए, लेकिन उसको कंप्लीट डोज नहीं मिलेगी तो आगे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे, स्पेशली एंटीबायोटिक केसेस में रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएंगे और अगली बार वो दवा हो सकता है उसको काम ही ना करे। कभी कोई भविष्य में कोई भीषण बीमारी हो जाती है तो वो दवा उससे काम ही नहीं करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा दो तीन खुराक देना गलत हो जाएगा। मतलब हमारा काम है कस्टमर को बताना कि भाई साहब अगर आप ऐसे एक या दो खुराक लेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, ये चीजें हमें समझानी होगी और कम से कम 4 से 5 दिन की दवा हमें उस कस्टमर को देनी चाहिए। हमारा काम है समझाना कस्टमर को। अगर कस्टमर नहीं समझते हैं तो भाई वो अलग विषय है, लेकिन एटलीस्ट हमें कस्टमर को बताना हो कि भाई साहब आप किसी भी दुश्मन को अधवरा मत छोड़िए। आप अगर डोज आधा दौर लेते हैं तो एक प्रकार यही कहानी हो जाएगी कि आपने अपने दुश्मन को हल्का फुल्का मार दिया, आधा दौर छोड़ दिया, अब जब वो दुश्मन दोबारा आएगा तो और गंभीर रूप से स्ट्रांग होकर आएगा और आपके लिए और ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। तो भाई साहब अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने कस्टमर को एटलीस्ट ये समझाएं, उनके कान तक पहुंचाएं कि मैं आपको दवा देना नहीं चाहता हूं क्योंकि उसके पीछे ये समस्याएं हैं। फिर भी अगर आप कहें तो भाई मैं आपको दे दूंगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपके एथिक्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।